आप देख रहे हैं NMT न्यूज और आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं NMT न्यूज। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। बृहन मुंबई नगर निगम के निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा के खार स्थित घर में कथित रूप से अवैध निर्माण को लेकर मंगलवार को उन्हें नोटिस जारी किया। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। नोटिस में चेतावनी दी गई है कि यदि विनिर्माण कार्य को लेकर उचित कारण से अवगत कराने में विफल रहे तो निर्माण को हटाकर फ्लैट का मूल स्वरूप बहाल किया जाएगा और इसका खर्च भी दंपत्ति से लिया जा सकता है। खार वेस्ट के रोड नंबर 14 पर स्थित इमारत के 8वें तल के चेयरमैन सचिव मालिक कब्जा धारक को यह नोटिस जारी किया गया है। अधिकारी ने कहा कि बृहन मुंबई नगर निगम की एक टीम सोमवार को 2 बार निरीक्षण के लिए फ्लैट पर पहुंची, लेकिन वह बंद मिला। नोटिस में फ्लैट में 10 अलग अलग अनधिकृत कार्यों का उल्लेख किया गया है, जिसमें लिफ्ट के पास की खाली जगह को फ्लैट में मिलाकर शौचालय बनाना, लॉबी को रहने की जगह में मिलाना, पूजा कक्ष को रसोई में मिलाना आदि शामिल है। ये कहना चाहूँगा कि आज हम लोग दिल्ली जा रहे, जहाँ पे महिलाओं का सम्मान किया जाता है, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी जो हमेशा हर राज्य में जो अन्याय होता है उस अन्याय के खिलाफ हमेशा लड़ते हैं, साथ देते हैं, और एक महिला खासदार के साथ जो बर्ताव हुआ है, जो राज्य के मुख्यमंत्री ने जिस तरह से एक द्वेषी कार्रवाई जो की है उसके खिलाफ देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को भी हम मिलेंगे, देश के पार्लियामेंट के स्पीकर ओम बिरला जी उनको भी मिलेंगे, और उसके साथ कई एजेंसी जो एजेंसी के माध्यम से संजय राउत और अनिल परब और ऐसे कई नेताओं की चौकसी चालू है और उस चौकसी के ऊपर कार्रवाई की टंगती तलवार है, उसके माध्यम से दिल्ली में रह के जो जो कार्रवाई भ्रष्टाचार और घोटाले के माध्यम से राज्य में चल रही है उस पर कार्रवाई होना चाहिए, वो भी हम मांग करेंगे। और हमारे ऊपर जो कार्रवाई हुई उसकी पूरी जांच दिल्ली से हम कराएंगे और हमको न्याय मिले तक हम दिल्ली में वहाँ पाठपुराव करेंगे। और मुझे लगता है इस महाराष्ट्र के अंदर राज्य के मुख्यमंत्री हमारा फ्लैट देखने के लिए जो आज महानगर पालिका का पथक भेज रहे हैं उनको मेरी सलाह है कि महानगर पालिका के नहीं 15 साल पहले इस बिल्डिंग को मान्यता दी है, उनके ही महापौर थे, उनका ही प्रशासन था, और वो आज 15 साल बाद हमारी बिल्डिंग हमारे यहाँ पे जो एक फ्लैट है मुंबई में, मेरा ही एक ही फ्लैट है, मेरे 10 घर नहीं है, संजय राउत और अनिल परब जैसे और उद्धव ठाकरे जैसे, मेरा एक ही घर है। एक घर के अंदर जो भी तुमको गिनना है वो पूरा पथक का स्वागत है, पूरे चारों कोने गिन लो, और मुझे लगता है अनिल परब और संजय राउत भी खाली बैठे उनको भी भेजो, वो भी यहाँ आके देख लेंगे, और मुख्यमंत्री भी ऑनलाइन के माध्यम से पूरे 2-2.5 साल से काम कर रहे हैं, उन्होंने भी ऑनलाइन के माध्यम मैंने केस के बारे में जो घटना हुई है उस घटना का कोई उल्लेख हमने किया नहीं, हमारे खिलाफ जो जो यंत्रणा काम कर रही है हमें कहीं ना कहीं रोकने की काम कर रही है, हमारा आवाज़ दबाने की कोशिश कर रही है, सरकार के खिलाफ हमने बात किया है, और सरकार के खिलाफ बात करना, मुख्यमंत्री के खिलाफ बात करना, किसानों की और आम जनता के न्याय के लिए बात करना, उसके लिए अगर आवाज़ हमारी दबाते हैं तो हमारी आवाज़ दबेंगे नहीं, संविधान ने हमें अधिकार दिया है, उसके खिलाफ हम उसके माध्यम से बोलते रहेंगे और महाराष्ट्र के न्याय के लिए बढ़ते रहेंगे। इंडिया फर्स्ट डिजिटल टीवी मीडिया नवी मुंबई टाइम्स न्यूज। ताज़ा तरीन देश विदेश की खबरों को देखने के लिए YouTube पर सर्च करें NMT न्यूज। NMT न्यूज को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकन और पाएं उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, नवी मुंबई, ठाणे की ताज़ा तरीन खबरें सिर्फ नवी मुंबई टाइम्स न्यूज पर।